दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये 10 प्रश्न का एक टेस्ट है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 10। तो एक प्रश्न का एक अंक रहेगा दोस्तों, तो 10 प्रश्न हैं, तो इसमें आप ये ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों कि जो आप ये 10 प्रश्न में उसमें आपको कितने अंक आ सकते हैं, क्योंकि इसका मैं आंसर भी इसके साथ बताऊंगा, पर उसमें जो 10 सेकंड का जो गैप रहेगा दोस्तों, उसमें आपको इसका आंसर देना होगा। और यदि आप उस 10 सेकंड में आंसर नहीं दे सकते तो थोड़ा सा इसको पुश करके भी उसके सही आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपको पता चल जाए दोस्तों कि आपको 10 में से कितने अंक आए, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है? ए, शिक्षक के लिए, बी, अभिभावकों के लिए, सी, ए और बी दोनों के लिए, या फिर दोस्तों डी, श्रमिक के लिए। चार ऑप्शन से दोस्तों, इसमें से आपको टिक लगाना है कि कौन सा सही है। तो एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए जिससे कि आप उसमें लिख सके। तो दोस्तों, इस समय में आपने आंसर से टिक लगा लिया होगा, तो इसका आंसर से मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों के लिए। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो ए, मनोविज्ञान के सिद्धांत, बी, मनोविज्ञान का आधार, सी, मनोविज्ञान के उपाय, या फिर दोस्तों डी, मनोविज्ञान के दार्शनिक आधार। इसका चार ऑप्शन इसमें से दोस्तों लगाना सही कौन सा है, तो आपने लगा लिया होगा, तो दोस्तों सही ऑप्शन से कौन सा है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर दोस्तों ए, मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान की आधारशिला जो पुस्तक है उसमें ये रखा गया, किसमें, मनोविज्ञान के सिद्धांत में। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है? ए, शिक्षा तक सीमित, बी, अधिगम तक सीमित, सी, व्यापक, या फिर दोस्तों डी, व्यक्तित्व विकास तक सीमित। तो चार ऑप्शन से बताना सही कौन सा है, तो आपने सही ऑप्शन पर टिक लगा लिया होगा दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर सही कौन सा। इसका आंसर है दोस्तों सी, व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है दोस्तों, व्यापक। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है? ए, व्यवहार का ज्ञान, बी, मानव का ज्ञान, सी, शिक्षा का ज्ञान, या फिर दोस्तों डी, विधियों का ज्ञान। चार ऑप्शन में से दोस्तों सही कौन सा है, आप टिक लगा लीजिए। तो आपने लगा लिया होगा दोस्तों, तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर दोस्तों ए, व्यवहार का ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार है? दोस्तों, कोलेसनिक के अनुसार क्या है? शिक्षक की समस्याओं का समाधान करना, नियंत्रण करना, भविष्यवाणी करना, या फिर दोस्तों डी, विकास करना। चार ऑप्शन में से बताना दोस्तों सही कौन सा है, तो आपने लिख लिया होगा सही कौन सा है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इसका आंसर दोस्तों डी, विकास करना। कोलेसनिक के अनुसार क्या है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य विकास करना। अगला प्रश्न है, केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है कौन, कितने उद्देश्य है दोस्तों, 8, 9, 10 या फिर 7, चारों में से कौन सा सही है दोस्तों, आप लिख लीजिए। तो अभी आपने लिख लिया होगा दोस्तों कौन सा आंसर सही है, तो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 10। केली के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक के 10 उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य है क्या? सामान्य उद्देश्य दोस्तों ए, संगठित तथ्यों एवं सामान्य नियमों का संग्रह, नैतिक विकास, बाल विकास, और डी, शारीरिक विकास। इसमें दोस्तों आपको सही आंसर बताना चार ऑप्शन में से कौन सा है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि अभी तक आपने लिख लिया होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों सी, बाल विकास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है? ए, बाल केंद्रित शिक्षा, बी, प्रयोजन शिक्षा, प्रयोजनवादी शिक्षा, सी, आदर्शवादी शिक्षा, या फिर दोस्तों डी, प्रकृतिवादी शिक्षा। चार ऑप्शन से भी बताना दोस्तों सही कौन सा है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है,
नवा वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। ए सर्वांगीण विकास में, बी नैतिक विकास में, सी आदर्शों के विकास में, या फिर दोस्तों डी परंपराओं के विकास में। चार ऑप्शन से हैं दोस्तों, इसमें से सही ऑप्शन आपको लगाना है। तो आपने लगा लिया होगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है। यदि इस समय में भी आप नहीं लगा सको तो थोड़ा सा दोस्तों इसको पुश करके इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं। तो मैं बता देता हूं दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर से दोस्तों ए सर्वांगीण विकास में। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक विद्यार्थियों का मधुर संबंध, शिक्षक अभिभावक का मधुर संबंध, या शिक्षक प्रबंधक का मधुर संबंध, या फिर दोस्तों डी शिक्षक एवं समाज के मधुर संबंध। चार में से बताना दोस्तों आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख क्या लाभ है। तो दोस्तों आपने इस समय में आपने टिक लगा लिया होगा तो इसका मैं बता देता हूँ सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर से दोस्तों ए शिक्षक विद्यार्थियों का मधुर संबंध। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन से दोस्तों मैंने इनका आपका आंसर भी बता दिया है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि 10 नंबर में से आपको कितने नंबर आए हैं। तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आपको आज का जो पेपर है दोस्तों 10 क्वेश्चन है तो उसमें आपको कितने अंक आए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।